हाय मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल लिटिल बर्ड। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको हेल्प करेगी अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं और आपको मिल्क सप्लाई से लेकर कोई इशू आ रहा है। तो इससे रिलेटेड मैंने एक और वीडियो की है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो जब मेरी बेबी छोटी थी तो मुझे भी सेम प्रॉब्लम आ रही थी, मिल्क सप्लाई में मुझे भी प्रॉब्लम आ रही थी। मेरा मिल्क सप्लाई इतना ज़्यादा नहीं था जिसकी वजह से फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारी मदर्स के साथ होती है। और अगर आप अकेले रहते हैं, आप कोई आपके साथ नहीं है, फैमिली मेम्बर्स नहीं हैं और आप खाना चाहते हैं वो सौंठ के लड्डू या फिर गोंद के लड्डू, जो हर रीजन में अलग अलग तरह से, किसी रीजन में हलवा भी बनाया जाता है जो डिलीवरी के बाद मदर को दिया जाता है। तो वो सब चीज़ें अगर आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आप मार्केट में रेडीमेड जाकर ले सकती हैं कुछ, और वो सारी चीज़ें जो आपके मदर या फिर आपके घर में फैमिली मेम्बर्स आपको बना के देने वाले थे, वो सारी चीज़ें आपको रेडीमेड मिलेगी और इससे मिल्क प्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्प मिलता है। तो जब मेरी बेबी हुई थी तो मुझे मेरी मदर ने और मेरी मदर इन लॉ ने बहुत सारी रेसिपीज़ दी थी और बहुत सारे तरह के लड्डू मैंने ट्राई किए थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने खाई थी। तो उन सब चीज़ों से भी मुझे बहुत हेल्प मिली। उसके अलावा एक चीज़ और मैंने ली थी जो कि मार्केट में मुझे डायरेक्टली वो सारी चीज़ें मिल गई थी, उससे भी मुझे मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प मिला था। तो मैंने कुछ चीज़ें ट्राई की थी, जैसे कि जीरा है, जो क्यूमिन सीड्स होते हैं, उससे मिल्क प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प मिलती है और मिल्क प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। उसके अलावा आप बहुत सारे मार्केट में डॉक्टर मेडिसिन देते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी डाइट का ध्यान रखिए। और इससे रिलेटेड सारे पॉइंट्स मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ मार्केट से परचेज़ की। मार्केट से ये परचेज़ किया था पतंजलि का मातृत्व, और बिलीव मी ये काफ़ी अच्छा था। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, उनको अच्छी चीज़ खानी है, मतलब टेस्ट वाइज उनको कोई इशू नहीं चाहिए, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। और इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो आपके मदर या फिर मदर इन लॉ बनाती हैं, लड्डू या फिर हलवा, उसमें जो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। तो ये लैक्टेटिंग मदर के लिए है, देख सकते हैं आप। और ये टिन की पैकेजिंग में है और इसके अंदर मेंशन है कि इसके अंदर शतावर है, जो कि अगर आपने पहले के लोगों से सुना होगा तो शतावर बहुत हेल्प करता है लैक्टेटिंग मदर को मिल्क प्रोडक्शन में। तो इसके अंदर ये है, अगर आप अलग से भी शतावर को मतलब चुटकी भर लें दूध के साथ तो भी आपको बहुत हेल्प मिलती है। तो इसके अंदर ये ऑलरेडी है। उसके अलावा ड्राई जिंजर पाउडर, जो कि सौंठ बोला जाता है, जो हर डिलीवरी के बाद जो मदर को कोई भी चीज़ दी जाती है उसके अंदर जो लड्डू हैं उनमें ये डलता ही डलता ज़रूर है। उसके अलावा इसमें काव मिल्क है जो कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। जैसे आपको पता है कि डिलीवरी के बाद आपको कैल्शियम इंटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अंदर जैगरी पाउडर होता है जो कि ब्लड को प्योरीफाई करता है और एनीमिया को प्रिवेंट करता है। और इन सब की तासीर गर्म होती है। टर्मरिक भी है इसमें, जो कि बॉडी को हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं इसके अंदर। और इसके पीछे मेंशन है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिक्स हैं जो हम बेसिक रेसिपी में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर घृत है, उसके अंदर व्हीट फ्लावर है, आलमंड्स हैं, किशमिश हैं, शुगर है, शतावर है, उसके ड्राई जिंजर पाउडर है, काव मिल्क पाउडर है, अजवाइन है, टर्मरिक है, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मेंशन है इसमें। और ये सारी चीज़ें इसमें इंग्रेडिएंट है। इसको प्रिपेयर करने में टेस्ट वाइज भी इसका काफ़ी अच्छा टेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको टेस्ट बर्ड से काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अगर कोई चीज़ कड़वी लगती है, आप नहीं खा पाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। और इसमें सोया फ्लेक्स हैं, तो अगर आपको सोया से एलर्जी है तो आप इसको मत लीजिए। तो इसमें मेंशन है कि आपको इसको कैसे खाना है। तो 30 ग्राम्स आपको सुबह शाम लेना है, 30 ग्राम मॉर्निंग में, 30 ग्राम नाइट में, या जब भी आप मिल्क से लें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे उससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिले थे। और ये सारे जो प्रॉब्लम है, पोस्ट डिलीवरी वीकनेस जो भी होती है वुमेन के अंदर, वो सारी इससे दूर हो जाती है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है और कितनी क्वांटिटी में है। तो ये टिन के पैकेजिंग में है, इसका प्राइस है 140 रुपीज़ और इसकी क्वांटिटी है 250 ग्राम्स। तो आई थिंक नॉमिनल प्राइस है और काफ़ी अच्छी चीज़ मिल रही है आपको। इस मतलब आपको कोई हेडेक नहीं लेना है कि आपको बनाना है ये वो। ये स्पून दिया हुआ है, इससे आप मेजर कर सकते हैं 30 ग्राम और बहुत इजीली खा सकते हैं। तो दिखा देती हूँ कि मैं ये किस टाइप का है। तो ये इस टाइप का है, देखिए, तो ये इस टाइप का है और इसके अंदर आलमंड्स के पीसेस दिख सकते हैं आपको, किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स है, तो इसकी सेम वही चीज़ें हैं जो आप घर में आपके मदर या फिर आपकी मदर इन लॉ बनाती हैं, और टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा है ये। तो जब मुझे प्रॉब्लम आ रही थी डिलीवरी के बाद, स्पेशली मेरी बेबी को फीड कराने में मुझे मिल्क सप्लाई कम था, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी थी इंक्लूडिंग ये, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। और अभी मेरी बेबी 1 ईयर की है तो भी मैं उसको फीड करा रही हूँ और मुझे पर्सनली काफ़ी हेल्प मिली इससे। और जिन मदर्स को लैक्टेशन में प्रॉब्लम आ रही है, मिल्क सप्लाई कम है, और स्पेशली अगर वो अकेली रहती हैं और वो सारी चीज़ें वो नहीं खा पा रही हैं जो उनको लगता है कि उनको डिलीवरी के बाद खानी चाहिए, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है और बॉडी को भी काफ़ी जो वीकनेस है वो दूर हो जाती है। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया और मे बी काफ़ी लोगों को इससे हेल्प भी मिले। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप जाकर इसके इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं, आप 1 बॉक्स ख़रीद सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे या फिर इससे आपको कोई हेल्प मिली तो आप आगे और भी ख़रीद सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी है मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल पर जाके बाकी की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।